सिंपल एंड यूनिक किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही अलग स्टाइल से पिज्जा पराठा बनाना बताऊंगी। ये पराठा बच्चों को तो खास तौर से बहुत ही पसंद आता है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको लगेगा ये पराठा बनाने में कितना सिंपल और खाने में तो बहुत लाजवाब होता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बच्चों, बड़े, सभी की पसंद का पिज्जा पराठा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बाउल गेहूं का आटा लिया है। इसे हम एक बड़ी परात में निकाल लेते हैं, आप बाउल में या फिर जिसमें भी आपको आटा गूंथना पसंद हो उसमें आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, मतलब थोड़ा सा कमी डालते हैं उससे, और थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, 2 स्पून लगभग ऑयल डाल देते हैं इसमें। और फिर इसे एक बार अच्छी तरीके से हाथों की मदद से हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमने एक बार अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है, जिसे आप देख सकते हैं हमारा ऑयल वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, नमक ऑयल। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं पानी और इसका एक आटा गूंथ के तैयार करते हैं। इसका आटा हमें नॉर्मल आटे की तरह गूंथ कर तैयार करना होता है। थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसे हम तैयार करते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके का आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। अब हम इस पे हल्का सा ऑयल लगाते हुए इसे खूब अच्छी तरीके से मल लेते, एकदम चिकना कर लेते हैं। ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे ढककर हम साइड से रख देते हैं और अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। इधर हमने ली है कद्दूकस की हुई चीज, इसमें हम स्वीट कॉर्न और कट की हुई शिमला मिर्च, कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी और कद्दूकस की हुई गाजर, और इधर ही हमने मसाले लिए हैं, पाव भाजी मसाला, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक। पाव भाजी मसाला आप इसमें जरूर डालें। और ये हमने धनिया पत्ती भी ली है। इन सभी चीज़ों को हम चीज़ में मिक्स कर लेते हैं, चीज़ के साथ एक बड़े बाउल में मिक्स कर लेते हैं। ये हमने सारी सब्जियां इसमें डाल दी है, धनिया पत्ती भी हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। ये हमने मसाले सारे स्वाद अनुसार लिए हैं, थोड़ा पाव भाजी मसाला हम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा और अलग बन के आता है इसका। इन सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। अब इधर हम आटा देखते हैं, हमारा आटा जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाता है और इधर हमारी स्टफिंग भी तैयार हो गई है इतनी देर में। अब हम क्या करते हैं, सूखा आटा लेते हैं, उसे इसी में थोड़ा सा निकाल लेते हैं, कोई भी प्लेट में कहीं भी आप निकाल लीजिए, उसे थोड़ा हाथ में हम लगा लेते हैं ताकि हमारे हाथ में ये आटा चिपके नहीं। और फिर इसे गोल गोल करते हुए एक लोई बनाते हैं हम, इसकी आटे की थोड़ी बड़ी लोई बनाते हैं क्योंकि इसमें अभी हमें फिलिंग भी करनी होती है। इसे हम सूखे आटे में डिप करते हैं। सूखे आटे में डिप करने के बाद इसे हम गोल गोल बेल लेते हैं। ये अभी हम पूरा अच्छी तरीके से, मतलब इसे बेल लेते हैं एक बार इस टाइप से। इसे आप देख लीजिए, हमने बेल का तैयार कर लिया है इसे। ये हमने पूरा बेल लिया है इसे, इतना थोड़ा सा, मतलब हल्का मोटा रखते हैं, इतना टाइप का बेलते हैं। अब इसमें हम लगाते हैं पिज्जा सॉस। ये आप कोई सी भी ब्रांड की पिज्जा सॉस यूज कर सकते हैं। अगर आप पिज्जा सॉस नहीं लगाना चाहते, वैसे तो पिज्जा पराठा है तो पिज्जा सॉस तो लगानी बनती है, लेकिन अगर बिल्कुल आपको नहीं पसंद है तो आप इसमें सॉल्ट, चटनी, कुछ भी लगा सकते हैं। और साइड के कॉर्नर्स पे आप बस हल्का हल्का साइड के कॉर्नर्स को छोड़ दीजिए, बाकी पूरी अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। फिर ये जो हमने स्टफिंग फिलिंग बना के तैयार की थी उसे हम एक साइड पे अच्छी तरीके से लगा देते हैं। एक साइड पे ही लगानी होती है, चारों तरफ नहीं लगानी होती है। और साइड कॉर्नर्स को हम थोड़ा छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हम इसे फोल्ड करके चिपकाएंगे, तो अगर आप साइड कॉर्नर्स पे भी लगा देंगे तो चिपकाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए अभी हम साइड कॉर्नर्स को छोड़ देते हैं। ये हमने लगा भर दिया अच्छी तरीके से स्टफिंग, इसमें फिलिंग कर दिया। अब इसे हम दूसरी साइड से, जहाँ पे हमने स्टफिंग नहीं लगाई है उस साइड से उठाते हुए इसे दूसरी तरफ से, मतलब अच्छी तरीके से चिपका लेते हैं इस टाइप से, इसे आप वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद हम एक फॉक लेते हैं और फॉक की मदद से इसे डिजाइन भी देते हुए और इसे अच्छी तरीके से इसे चिपक जाए इस टाइप से, ऐसे आप वीडियो में देख सकते हैं, कर लेते हैं। इससे ये चिपक भी बहुत अच्छी से जाता है, उसकी डिजाइन भी बहुत अच्छी आती है। इस टाइप से हम बना के एक प्लेट में रख लेते हैं। इस टाइप का हम अपना पिज्जा पराठा बनाते हैं। अभी आप आगे देखिए, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है और देखने में भी कितना अच्छा लगेगा। जब बन के आएगा आप भी कहेंगे कितना अच्छा पराठा बना है।
हमने इसी तरीके से दूसरा पराठा भी बना के तैयार कर लेते हैं। पिज्जा चटनी लगाएंगे इस पे और ये साइड से हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम इसमें एक साइड स्टफिंग फिल करेंगे और स्टफिंग फिल के बाद, ये स्टफिंग फिल हो गई है, उसके बाद हम दूसरी साइड से इसे उठाते हुए इसे हम बंद कर देते हैं। और फिर फॉक से उसी तरीके से हम डिजाइन दे देते हैं। आप चाहे तो नहीं भी दे, मतलब ना देना चाहे तो रहने दे सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा आपकी ये दोनों साइड मतलब अच्छे से चिपका हुआ हो, क्योंकि तब हम सेकें इसे तो ये हमारा खुले नहीं। इधर हम तवा गैस पे गरम करने रख देते हैं और उस पर हल्का सा ऑयल लगा देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं ऑयल। उसके बाद इस पराठे को ले जाके इस तवे पे हम रख देते हैं। दोनों पराठे हमारे एक बार में सिक जाते हैं, या फिर आप चाहे तो एक एक पराठा करके भी सेक सकते हैं। एक एक पराठा करके हम सेकेंगे और इस पर हल्का सा ऊपर की साइड भी ऑयल लगा देते हैं और फिर इसे हम अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम गैस पे, याद रखिए आपको मीडियम गैस पे पराठा सेकना है, सेक लेते हैं। जैसे ही हल्का नीचे से सिक जाए, आपको लगे, आप एक बार पलट के देखिए। ये देखिए हमारा इस तरीके से पराठा सिक रहा है, अभी ये सिका नहीं है, तो दोबारा हम इसे एक बार पलट के सेक लेते हैं। और इसे पलट पलट के हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से सेक लेते हैं। ये हमारा पराठा बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक गया है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसे अब हम क्या करते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने से पहले आप जैसे इसके साइड कॉर्नर्स होते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं सिक पाते, तो ये जो एक चिमटा आता है जिससे हम रोटी सेकते हैं, उससे पकड़ के आप इसे साइड कॉर्नर्स को भी अच्छी तरीके से सेक लीजिए। और इसे हम तवे पे ही दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जैसे आप देख सकते हैं पलटे की मदद से हमने डिवाइड कर दिया है। और ये हमारा इस तरीके का पिज्जा पराठा जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी बचे पराठे, अपने पिज्जा पराठे जो है बिल्कुल बना के तैयार करते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसे आप सॉस चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं, सभी में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे इसके दो पीस भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक पीस भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे उस तरीके से आप कट करके इसे सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, पिज्जा पराठा कैसा लगा? पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर आप बिना गैस की कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल मुस्कान क्रिएटिविटी में जाके देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।